हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 10वां और हमारे चैप्टर का नाम है बोलती मारते हैं। तो चलिए अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर बोलती मारते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहुँचे गोलकोंडा। पहुँचे गोलकोंडा, तो ये गोलकोंडा का सीन दिखाया गया है आपको। यहाँ पे एक इमारत दिखाई गई है, काफ़ी पुरानी इमारत है, खंडहर टाइप में है, पर ये इमारत है, ठीक है। पुराने ज़माने में बहुत अच्छी इमारत रही होगी ये। तो गोलकोंडा की इमारत जो है, ये कह रहे हैं कि आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो शैलजा कहती है, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। तो ये जो किला है, गोलकोंडा का किला है ये। तो श्रीधर कहता है, क्या कहता है श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी कहती है, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना चौड़ा दरवाज़ा। तो ये दरवाजे की बात कर रही हैं। फिर शैलजा क्या कहती है, शैलजा कहती है, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते होंगे और बंद करते होंगे। तो कहाँ है दरवाज़ा, इस दरवाजे की बात कर रहे हैं। ये दरवाज़ा जो यहाँ पे लगा हुआ होगा, ये इधर साइड में, इसकी बात कर रहे होंगे ये, ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं, कल्याणी क्या कह रही है, कल्याणी कह रही है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, क्यों लगाए गए होंगे। तो शैलजा कहती है, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। तो श्रीधर बोलता है कि कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी कहती है, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। फिर दीदी कहती हैं कि ये जो ये बुर्ज है, देखो बुर्ज जो होता है दीवार से ज़्यादा ऊँचे होते हैं, ठीक है। और इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। तो ये गोलकोंडा का जो किला है, गोलकोंडा का जो किला है, उसमें कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। और मोटी दीवारें हैं, लंबा चौड़ा गेट है, इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के लिए कितने कड़े इंतजाम थे उसमें, बहुत सारे। जैसे कि ये गोल गोल निकला जो, ये जो गोल गोल किले जो भाले जैसे निकले हुए हैं, इनकी बात कर रहे थे ये, गोल गोल इनकी बात भी कर रहे थे बच्चे। फिर अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, इतने सारे जो बुर्ज क्यों बनाए गए, बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बने थे, इस तरह के जो क्वेश्चन के आंसर हैं, मैं दूंगी क्वेश्चन के आंसर पर जब हमारे क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। आपके जब सारे चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद आपके एक सेशन चलेगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होंगे, ठीक है। वो सेशन मैं आपको कराऊँगी बाद में, ठीक है। पहले आपके सारे चैप्टर जो हैं वो मैं अच्छे से पढ़ा दूं आपको समझाते हुए। अब लिखा हुआ है किले में कितना कुछ। तो शैलजा कहती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा या कितना पुराना होगा। तो कल्याणी कहती है, बाहर लिखा था सन 1518 से 1687 तक। क्या लिखा था, 1518 से 1687 तक। यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया है, ठीक है। मत किसने राज किया है, कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया है। तो दीदी जो हैं, दीदी क्या बोलती हैं, दीदी कहती हैं, हाँ उसमें भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। तो सन 1200 में यह किला किसका बना था, मिट्टी का बना था। यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। तो शैलजा बोली, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। तो इस बोर्ड यानी वहाँ एक बोर्ड लगा था, वहाँ किले का नक्शा भी था। तो श्रीधर कहता है, नक्शे में कितने सारे बाग कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कितने सारे महल भी हैं। तो शैलजा कहती है, इसका मतलब तो यहाँ सुल्तान के अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों के काम करने के लिए लोग भी यहाँ आते रहते होंगे। तो कल्याणी कहती है, फिर तो यह पूरा शहर ही होता होगा। फिर यहाँ पे फिर बात की कि यहाँ पे किला दिखाया, किले का एक हिस्सा दिखाया गया है, सुल्तान का महल यहाँ पे लिखा है। श्रीधर कहता है, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो शैलजा कहती है, उस ज़माने में भी दो मंजिला इमारतें हुआ करती थी, जैसे कि एक मंजिल ये,
दो मंजिल ये, उस ज़माने में भी दो मंजिला इमारतें हुआ करती थी। तो कल्याणी बोलती है अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि कितने बड़े बड़े हॉल रहे होंगे, कितने बड़े बड़े वहाँ कमरे रहे होंगे। तो श्रीधर क्या कहता है, श्रीधर कहता है और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो कल्याणी कहती है एक छत पर तो हमने फुव्वारे जैसा भी देखा था। तो दीदी क्या कह रही है, दीदी कह रही है हाँ इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिसमें हर समय पानी जो था वो चलता रहता था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये एक सुंदर सा फव्वारा लगा हुआ है। फिर यहाँ पे एक बात लिखी है, वह बात क्या है, वह उस ज़माने की इंजीनियरिंग। सोचो आज भी इंजीनियरिंग, जब मकान इंजीनियर जो हैं मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है, मतलब क्या करते हैं कि आज भी अगर इंजीनियर जो नक्शा बनाते हैं फिर भी मकान में सीलन आ जाती है। और यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते हैं, तो छत पर क्या है मतलब इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन बनाई है कि छत पर भी पानी के फव्वारे चल रहे हैं तब भी इमारतों में मतलब सीलन नहीं आ रही है। ये इमारतें जो है कितनी समझ से बनाई गई होंगी, सोचो तो 500 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, दिमाग में कितने सारे सवाल आते हैं, पानी इतनी ऊँचाई तक कैसे चढ़ाया हुआ, तुम अनुमान लगाओ। तो मतलब हमारे घर में 2-3 मंजिल पर पानी चढ़ाना ही मुश्किल हो जाता है, इन्होंने इतनी ऊँची इमारत पर पानी चढ़ाया वो भी फव्वारा जो है दिन रात चलता रहता है और घर में सीलन भी नहीं आ रही है। कितने अच्छी उस टाइम की इंजीनियरिंग जो थी कितनी अच्छी थी, कितने होशियार लोग थे। फिर यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर हमारे क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में होंगे। फिर यहाँ पे क्या बात लिखी गई है, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है कहाँ पे है पूर्व कहाँ पे पश्चिम, चलो इसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह खड़े हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से है, तो जिस अगर आपने सूरज की तरफ मुंह किया है तो उधर क्या है हमारा पूर्व है, तो उधर क्या है हमारा पूर्व है। आपकी पीठ की तरफ क्या हो जाएगा, इधर आप हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इधर वाला हाथ जो है, इधर वाला हाथ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और ये माला इस हाथ की इस वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी दक्षिण हो जाएगी। इस तरीके से हम दिशाओं का ज्ञान जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने समझाई है तो हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन वाले सेशन में मिलेंगे। अब यहाँ पे गोलकोंडा का किला जो है उसका नक्शा दिखाया गया है, जैसे कि कितना बड़ा नक्शा है, मैं जूम करके दिखाऊँ तो मुझे बहुत बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि इस गोलकुंडा किले में मोती महल है, बाला हिसार है, महल तारामट्टी है, बावड़ी है, दरवाज़ा रोड है, नया किला रोड है, बावड़ी है, कई सारी बावड़ियाँ बनी हुई हैं, मोती दरवाज़ा रोड है और कई सारी बावड़ियाँ बनी हैं, बाला हिसार रोड है और बोडली दरवाज़ा रोड है और बोडली दरवाज़ा है, इस तरीके से बहुत बड़ा नक्शा जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ, खंदक बना हुआ है, ठीक है, ये बामनी दरवाज़ा है, ठीक है, इस तरीके से ये जो नक्शा बना हुआ है यहाँ का। फिर हमने यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हमले क्यों, मतलब यहाँ पे तोप रखी हुई है तो ये कह रहे हैं ये हमले क्यों, तो आइए आपको बताते हैं ये हमले क्यों। ये कहते हैं ये हमले क्यों, हम बात कर ही रहे थे, श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी, तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब तेज़ी से वहाँ पहुँचे, ये तोप के गोले रखे हुए हैं। शैलजा ने कहा ये तोप कुतुब शाही सुल्तान की होगी, किसकी होगी, कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। फिर क्या हुआ, दीदी ने क्या कहा, दीदी ने कहा तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, किसने किया था, औरंगजेब ने किया था, जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, तो क्या कौन आया था, औरंगजेब बादशाह जो था वो बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई, पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही, मतलब उस किले के अंदर घुस नहीं पाई। तो शैलजा ने कहा दिल्ली से इतनी दूर तक यहाँ फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी, तो दीदी ने कहा बादशाह हो या राजा सभी का यही खेल था अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं सुल्तानों ने अपना रिश्ता जोड़ सकें, उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें, इसके लिए तभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे सभी, कभी परिवार में शादी करा कर तो कभी हमला करके, मतलब रिश्ते बनाने होते थे तो या तो शादी कर लेते थे या तो हमला करके राज में अपना राज जो था वो बढ़ाते थे, अपनी जगह जो थी वो अपने बढ़ाते थे। फिर कल्याणी बोली इतनी तोपों
बंदूकों के साथ भी बादशाह सेना के अंदर क्यों नहीं घुस पाए? तो शैलजा ने बोली, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी तुमने? नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आई होगी? वो जो खंदक दिखाया गया था वो एक खाई थी, जिससे सेना जो थी वो अंदर घुस ही नहीं पाई होगी। और श्रीधर कहने लगा, अगर सेना दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो वहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर से सब कुछ साफ नज़र आ जाता। तो बुर्ज भी बने हुए थे, कितने बुर्ज थे? 87 बुर्ज थे, तो वो लोग देख लेते। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना, वो उसने बोला। फिर कल्याणी बोली, सोचो, फौज घोड़ों हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही। हाँ, यहाँ सुल्तान की फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। शैलजा बोली, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ कितने सिपाही और कितने लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? इस तरीके की बात होने लगी। फिर क्या हुआ? श्रीधर बोला, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। तो अभी हमें चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है? जैसे कि तुमने किसी देश से दूसरे देश पर हमला किया है, फिर क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं, पता करो हमला क्यों हुआ और किस तरह के हथियार जो इस्तेमाल किए गए, किस तरह का नुकसान हुआ, इस तरीके की बातें क्वेश्चन जो हैं हमारे वो बाद में हम देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा है यह भी देख लेते हैं। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वो कांसे की बनी है। किसकी बनी है? कांसे की बनी है। तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है क्या? इसका आंसर भी देंगे पर बाद में देंगे। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले आदिवासी बनाते थे। कौन बनाते आए हैं? कांसे की चीज़ें जो हैं हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी यह सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते और पिघलाते रहते होंगे, और फिर भी कैसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। मतलब ये सब कैसे कर लेते होंगे यार, आज से सौ हजारों साल पहले ये सब कैसे कर लेते होंगे? तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, फिर भी ये लोग कैसे कर लेते थे? आज तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतना सारा सब कुछ है, इतने ज़्यादा आविष्कार हो चुके हैं, हर चीज़ आसान हो गई है, पहले कैसे करते होंगे ये सब? अब यहाँ पे कहते हैं, तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन सी चीज़ें हैं या आज भी हैं, रंग पहचानने की कोशिश करो। कौन सी चीज़ तांबे की है, पीतल की है, कांसे की है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। तो दीदी ने क्या कहा, हमसे एक जगह खड़े रहने के लिए कहा और दूसरे दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक कैसे पहुँची। और बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में सुनाई देता है। मतलब इस तरीके की कारीगरी थी वहाँ पे, इस तरीके से उन्होंने सिस्टम बना के रखा था, दूसरे दरवाजे की आवाज़ महल के अंदर सुनाई पड़ती थी, ठीक है? फिर क्या है, अब पानी के इंतज़ाम की बात कर रहे हैं। तो पानी के इंतज़ाम में क्या है, यह चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? तो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक ड्रम लगा हुआ है, दांतेदार पहिए लगे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये पानी भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी भरा जा रहा है, ठीक है? और खेतों में शायद पानी जा रहा है यहाँ से, कुछ ऐसा ही है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस लिए घूम रहा है। तो इसमें क्या है, पानी जो है पानी भरा जा रहा है, पानी ये जो घूम रहा है, इसके घूमने से ये पहिया घूम रहा है, इस पहिए के घूमने से ये हमारा घूम रहा है, इससे क्या है, पानी जो है पानी भर रहा है बाल्टियों में। पानी जो भर के ही कहाँ जा रहा है, इस यहाँ इसमें जा रहा है, ठीक है? ये जो हमारी नाली सी बनी हुई है खेतों में जा रही होगी, इस तरीके से इंतजाम कर रखा है। उसके साथ लगे दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि किस दिशा में घूमेगा, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है मिट्टी के पाइप, इन्होंने मिट्टी के पाइप भी दिखाए हैं, जैसे कि ये जो है चित्र में मिट्टी के पाइप भी दिख रहे हैं, ये पाइप मिट्टी के बने हुए हैं, पर पाइप उस टाइम पाइप भी बने होते थे। अब ये कह रहे हैं, दांतेदार पहिए में लगा डंडा ज़मीन के नीचे जाकर किस दिशा किस जाकर के पहिए से जुड़ा है कि नहीं,
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बैलों के घूमने से डिब्बे की माला पानी कैसे ऊपर चढ़ाती है, बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है, तो ऊपर चढ़ाती है, मैंने आपको बताया कैसे चढ़ाती है। अब कह रहे हैं क्या आप यह कुछ पता चला कि किस तरह पानी से कुएं निकलकर टैंकों से भरा जाता होगा। आज भी किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं, उन्हीं के जरिए महल में पानी पहुँचाया जाता था। तो मतलब पाइप से उस टाइम भी पाइप से ही पानी पहुँचाया जाता था, जो ये जिसके ये निशान जिसके ये जो हैं क्या बोलते हैं साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाल किया बेहाल क्यों, हाल किया बेहाल क्यों, आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। तो इस मेहराब के नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। दीपाल ये कह रहे थे दीवार पर लिखना मना है, जैसे लोग उल्टा सीधा लिख लेते हैं ये लव वो ये लव वो, ठीक है इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमारी धरोहर है। ठीक है, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए फालतू में, ये सब गलत चीज़ें होती हैं, आप लोग कभी ऐसा नहीं करना। ओके, कहीं भी जाना पर दीवारों पे लिखना, मैं अपने घर की दीवार पे भी कुछ नहीं लिखना यार। कोई पैसा जो होता है बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग साथ दीजिए प्लीज़। ठीक है, हर किसी पैसा यूं ही नहीं कमाया जाता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। ठीक है, और जो हमारी धरोहर होती है वो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। किसने बोला? श्रीधर ने बोला। तो शैलजा कहती लिखा हुआ था यहाँ फौजी रहते हैं। श्रीधर ने कहा अरे यह देखो यह बोर्ड भी है, फिर भी दीवार पे क्या हाल, दीवार पे क्या हाल है। मतलब वो कह रहे बोर्ड पे लिखा है, दीवार पे लिखना मना है, फिर भी दीवार पे इतना सारा लिखा हुआ है। शैलजा कहने लगी ओहो, मैं तो सोच कर ही शहर जाती हूँ कि इस दीवार पर सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान, उसकी बेगम, हाथी, घोड़े, ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया। मतलब इतने सालों तक वो सही रही होगी, पर कुछ ही सालों में लोग आए, देखने वाले जो देख रहे हैं आने, जो देखने के लिए आए, उन्होंने इसका इतना गंदा हाल कर दिया है लिख कर उस पे। पता नहीं लोग इन दिलवालों पर अपना नाम लिखकर क्यों गंदा कर देते हैं, ये कह रही है कल्याणी। फिर अब यहाँ पे क्या लिखा है, आंखें बंद करके पहुँचो उस जमाने में, मान लो तुम उस समय में हो जब गोलकुंडा में पूरा शहर जो बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो, अपनी क्लास में बताओ, जहाँ ग्रुप में नाटक भी हो सकते हैं। अब सुल्तान अपनी महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं इनकी फ़िक्र में, हाँ किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके का हम एक प्रोग्राम करने को बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे ये कहते हैं कि उनके महल पर फुब्बारे तो चल ही रहे होंगे ना, अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है, गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है, किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को कपड़े कैसे पहन रखे हैं, कितनी देर तक काम करते होंगे, अरे वहाँ देखो कारीगर पत्थरों की छेनी हथौड़े से काट काट के कितनी सुंदर नक्काशी कर रहे हैं, क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है। इस तरीके से आपको जो है एक इमेजिन करना है, इमेजिन करने को कह रहे हैं, मतलब सोचने को कह रहे हैं। अब ये जब म्यूज़ियम पहुँचे तो म्यूज़ियम में क्या, यहाँ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं म्यूज़ियम में, तो क्या है यहाँ पे लिखा है गोलकुंडा देखकर हम वापसी में बच्चे जो थे हैदराबाद के म्यूज़ियम, जिसे हम संग्रहालय कहते हैं, जहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो रखी जाती हैं, संभाल के रखी जाती हैं। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूज़ियम में गोलकुंडा किले के आसपास की खुदाई के दौरान मिली जो चीज़ें थीं वो रखी गई थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह, ये सब जो चीज़ें थीं वो रखी गई थीं। फिर क्या है, शैलजा बोली अरे इन बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं, वाह देखो छोटी सी प्लेट कांसे की, वाह नीला सुख टुकड़ा चीनी मिट्टी का लग रहा है। तो दीदी ने कहा इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस ज़माने में कैसे लोग रहते थे, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो तुम क्या इस ज़माने के बारे में, मतलब उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से तो उनको पता चलता है कि उस ज़माने में क्या क्या होते थे। तो इस तरीके ये जो क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन वाले जो पार्ट होंगे तब कराएंगे। ठीक है, और आगे क्या है, आगे अब देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे लिखा है तुम भी अपना म्यूज़ियम बनाओ, तो हमको भी अपना म्यूज़ियम बनाना है। जैसे क्या है, रजनी जो है केरल के मल्लारपुर की जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है,
उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घेरों से पुरानी पुरानी चीज़ों जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊँ, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वैसी ही देखा। फिर बच्चों ने, रजनी ने मिलकर प्रदर्शनी लगाई, जिसे आसपास के लोग देखने आए, और आसपास के लोग भी देखने आए, तुम भी ऐसा कर सकते हो। मतलब जैसा हमने जो चीज़ देखी थी ऐसे ही हमने चीज़ें बनाई और उसकी प्रदर्शनी लगाई और लोग उसे देखने आए कि पुरानी पुराने ज़माने में चीज़ें कैसी होती थी। आप भी ऐसा कर सकते हो, चित्र को देखो और बताओ, ये कह रहे हैं। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आगरा का किला किस तरह बनाया गया है। तो यह जो पेंटिंग दिखाई गई कि कितने साल पुरानी है, ये जो पेंटिंग है 500 साल पुरानी पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला जो है किस तरीके से बनाया गया है, इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग किस तरह से काम करते नज़र आ रहे हैं और कितनी औरतें कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज़ ढलान पर चढ़ाने हम कितना आसान होती है, या सीधी ऊपर ले जानी। क्या मशक में भरकर पानी जाता है आदमी देख पाए। देखो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, ये खंभा जो है कैसे जो है वो चढ़ा रहे हैं, ये वाला भारी भरकम खंभा है कैसे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इधर आप देख सकते हैं, ये जो है एक स्लाइडिंग बनाई है, इस खंभे को कैसे भारी भरकम खंभे को ले जा रहे हैं ऊपर। बहुत मेहनत करी होगी इन लोगों ने बनाने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ मस्ती से अपना नाम वगैरह लिखते हैं, दूसरों का नाम लिखते हैं, यही गंदा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो है कंप्लीट हुई है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और तो आज का क्वेश्चन क्या है, तो किस किले की बात की गई थी, इस कहानी में किस किले की बात की गई थी, कौन से किले में घूम रहे थे, कौन सा किला था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। कहाँ कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अब बारी किसकी है, अब बारी हमारी गुरु दक्षिणा की है। किसकी बारी है, गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल को रेगुलर, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, ठीक है, लेकिन शेयर तो बार बार कर सकते हो ना, हमारी गुरु दक्षिणा है तो बार बार दे सकते हो ना। किसी को भी शेयर करो, आपके मोबाइल में जितने नंबर है सबको शेयर करो, पर शेयर ज़रूर करो। मेरी गुरु दक्षिणा जो है मुझे मिलनी चाहिए, मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मेहनत करती हूँ बहुत सारी, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं भी मोटिवेट होंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी तरह का कोई पैसा तो नहीं मांग रही, बस इतना कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, कमेंट में आंसर भी दे देना, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, किसी पे भी शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, हर क्लास की, मतलब क्लास फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ की क्लासेस जो हैं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।